हरियाणा में बीजेपी को आज बड़ी सफलता मिली है। सोनीपत से बड़े किसान नेता शमशेर दहिया जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए। दहिया जी हमारे साथ हैं, इस वक्त आइए उनसे बात करते हैं। दहिया जी आखिर क्या सोच के आप जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसे कौन से फैसले थे बीजेपी के जो आपको अच्छे लगे? हम और हमारी टीम काफ़ी समय से करीबन 12-13 साल से संघर्ष में रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन आज की डेट में मोदी जी की जो योजनाएँ हैं उससे हमारे सारे साथी उससे सहमत हैं कि इसमें किसान का हित होगा। तो हम साथ में मिलकर के इस योजना को किसानों तक पहुंचाने का काम करने के लिए और इन उपलब्धियों को देखते हुए हम खुश हैं और मोदी जी की इस योजना को जो 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का है उसमें हम काम करना चाहते हैं। इसी तरह का टिकट का भी आश्वासन पार्टी ने दिया हो आपको? नहीं, कोई आश्वासन टिकट का नहीं ना। हम पहले भी नॉन पॉलिटिक रूप से काम करते थे और आज भी यहाँ नॉन पॉलिटिक रूप से काम करेंगे। पार्टी में है लेकिन कोई MLA MP का ऐसा कुछ सोच करके कोई ज्वाइन नहीं किया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करते हैं, क्या आप सहमत हैं बीजेपी की सिफारिश से कि आज स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से प्रदेश में लागू हो चुकी हैं? मेन चीज़ें क्या है कि बहुत टाइम से आज़ादी से लेकर के अब तक किसान के लिए कोई काम नहीं किया गया था, तो उसमें मेन चीज़ क्या है आज किसान के लिए वो लाभकारी चीज़ें किसान को उठाया जा सके, इस तरीके की योजनाएं इस पार्टी ने पटल पर रखी है। और मैं ये समझता हूं और मेरा पूरा जो नेटवर्क है पूरे साथी हैं उस चीज़ से सहमत हैं कि वास्तव में मोदी जी किसान के लिए अच्छी सोच लेकर के चले हुए हैं और आने वाले टाइम में हम भी बताएंगे कि ये और कमियां हैं, ये काम भी और किए जाएं तो अच्छी, मतलब उसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ किसान नेता शमशेर दहिया, जिनका साफ कहना था कि वो बीजेपी में किसान नीति बीजेपी को लेकर किसानों के लिए जो नीतियाँ बनाई गई उनको लेकर पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो किसी भी तरह की टिकट या प्रलोभन के चलते भी पार्टी में नहीं आई है, लेकिन किसानों के हितों को लेकर जो उनकी लड़ाई है वो जारी रहेगी। कैमरामैन CR राम के साथ OP शर्मा, R9 चंडीगढ़।